अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खूबसूरत लाइफ इन कनाडा। और इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एवरीथिंग अबाउट कनाडा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी ट्रैवल जर्नी इंडिया टू कनाडा आफ्टर कोविड-19। जर्नी बहुत लंबी रही है हमारी, 4 डेज़ की। यस, 4 डेज़ में पहुँचे थे हम कनाडा। क्यों और कैसे, ये सब जानने के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये उन दिनों की बात है जब 2021 में कोविड-19 की सिचुएशन बिगड़ने के बाद थोड़ी संभलने लगी थी, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस कम होने लगी थी। मगर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट जो कि इंडिया से जाती है, एयर कनाडा एंड एयर इंडिया दोनों ही तब तक स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कोविड की चल रही थी सेकेंड वेव। और कनाडा गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि कनाडा में एंटर होने के लिए हमें थर्ड कंट्री की कोविड रिपोर्ट लानी पड़ेगी। तो उस टाइम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने चूज़ किया इनडायरेक्ट रूट और हम ट्रैवल करने जा रहे थे इंडिया टू कनाडा वाया थर्ड कंट्री। तो फाइनली आया वो दिन जिसका हमें थोड़ा सा इंतज़ार था भी और नहीं भी था। 14 सितंबर 2021 की सुबह में पैकर एंड मूवर्स वाले आ गए थे हमारा सारा सामान पैक करने के लिए जो कि हम शिप करा रहे थे कनाडा। सो हमारी पैकिंग चली थी सुबह से शाम तक, बहुत लंबा दिन था वो हमारे लिए। बहुत सारे मिक्स इमोशंस थे, अपनी कंट्री छोड़ने का दुख, एक नई लाइफ नई जर्नी स्टार्ट करने का एक्साइटमेंट, बहुत कुछ दिल दिमाग में लेकर हम निकले थे रात को अपने घर से बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए। एंड 1 घंटे की ट्रैवल करके हम पहुँचे बेंगलोर के एयरपोर्ट पर, जहाँ से हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी बेंगलोर टू दुबई। बेंगलोर से हमारी फ्लाइट ने किया टेक ऑफ, हमने किया बेंगलोर को अलविदा और 4 घंटे 20 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट से हम पहुँचे दुबई। दुबई के एयरपोर्ट से हमारी 1 घंटे के बाद फिर से फ्लाइट थी इजिप्ट के लिए। भागते दौड़ते हम पहुँचे दूसरी फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए एंड दुबई को टाटा बाय बाय बोलकर हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भरी इजिप्ट के लिए। ये हमारी 4.5 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी जिसने लैंडिंग की इजिप्ट के कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हमारा वेलकम हुआ कोविड टेस्ट से जो कि बहुत ख़तरनाक और दर्दनाक था। एयरपोर्ट से हम निकले रिज़ॉर्ट के लिए क्योंकि कायरो में हमारा 2 दिन का स्टे था, हमने पहले ही रिज़ॉर्ट की बुकिंग की हुई थी। सो उन्हीं की बस से 2 आवर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे एक ब्यूटीफुल से रिज़ॉर्ट में। और इस खूबसूरत जगह पर पहुँचने के बाद कनाडा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिर से कराया कोविड टेस्ट। एंड सीरियसली, घर से निकलने से पहले यहाँ पहुँचने तक ऑलरेडी 4 बार हम कोविड टेस्ट करा चुके थे। खैर, एक दिन हमने किया रेस्ट और दूसरे दिन हमने कलेक्ट की अपनी टेस्ट रिपोर्ट जिसके लिए हम यहाँ रुके थे। उसके बाद हम रवाना हुए फिर से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। 2 घंटे रिजॉर्ट की ही बस से ट्रैवल करके हम पहुँचे फिर से कायरो एयरपोर्ट, क्योंकि हमें पहुँचना था जर्मनी। फिर कायरो इजिप्ट से हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया जर्मनी के लिए और 5 घंटे लगातार हवा में उड़ने के बाद हम पहुँचे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर। वहाँ से फिर भागते भागते हमने चेंज की फ़्लाइट और हम बैठे दूसरी फ्लाइट में जो कि हमें पहुंचाने वाली थी कनाडा। इस फ्लाइट ने जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से उड़ान भरी मॉन्ट्रियल कनाडा के लिए। ये हमारी अब तक की सबसे लंबी फ़्लाइट थी 8 घंटे 10 मिनट की। और फिर इतनी लंबी फ़्लाइट से 18 सितंबर 2021 की सुबह में फ़्लाइट में ही हमने किया ब्रेकफास्ट। उसके थोड़ी देर के बाद थके हारे वक्त के मारे हम लोग सही सलामत पहुँचे फाइनली मॉन्ट्रियल कनाडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सो ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी इंडिया टू कनाडा वाया थर्ड कंट्री, और यहाँ से शुरू होती है हमारी खूबसूरत लाइफ इन कनाडा। हमारी आने वाली और भी वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ में बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा जिससे कि टाइम पर आप हमारी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।